हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज ना तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे क्लाउड्स ऐप आते हैं प्ले स्टोर में, ठीक है, वो स्टोरेज होते हैं तो उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फोन से जो है फालतू का डेटा अगर आप हटा देंगे तो आपके फोन का स्टोरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है तीसरे तरीके के जरिए यानी कि फोन से जो है फालतू का डेटा हटा के आप अपने फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना, इन सभी ऐप्स को आपको पहले तो रीसेट करना है। कैसे करेंगे रीसेट? देखिए, किसी भी ऐप को आपको है ना उंगली से दबा के रखना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा उसे टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पर टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहले तो सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है एक एक करके, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना जिनका आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन फालतू के ऐप्स को आप अपने फोन से हटा दीजिए यानी कि अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि देखिए, आपके मोबाइल फोन में जो फालतू के जितने भी ऐप्स होते हैं ना, सारे के सारे ये सारे ऐप्स आपके मोबाइल फोन के स्टोरेज में रहते हैं, मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में रहते हैं, आपके फोन का स्टोरेज कवर करते हैं। तो आपको फालतू के ऐप्स अगर हटा देंगे तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर बैकअप की सेटिंग होती है, तो जिस ऐप के अंदर बैकअप की सेटिंग है उन ऐप्स के अंदर जो है बैकअप की सेटिंग को बंद करना है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करूंगा ना, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर, इसे टैप करना है। इसके अंदर आप ये बैकअप की सेटिंग देख रहे हैं, ये बैकअप मेरा ऑफ है पहले से। अगर ये बैकअप की सेटिंग आपकी चालू रहती है तो बंद कर देना है। तो जिस ऐप के अंदर आपकी बैकअप की सेटिंग चालू है उसे आपको बंद कर देना है, ठीक है। अब ये तो होगी ऐप्स के अंदर की बैकअप की सेटिंग बंद करने की बात, अब आपको अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग को बंद करना है। कैसे? देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। सिस्टम पे टैप करेंगे तो अंदर की साइड आपको ये बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक रिस्टोर के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है तो इसे बंद कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको बंद करने के लिए बैकअप की सेटिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सेटिंग चालू रहती तो आपके फोन का स्टोरेज जो है वो धीरे धीरे करके भरता रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये बैकअप की सेटिंग बंद कर देंगे तो आपके फोन का स्टोरेज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है, ठीक है। रीसेट आपको मोबाइल फोन को तभी करना है जब आपको जरूरत लगती है, तभी रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपको जो है ना मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा आपके काम का है, जो आपके जरूरत का डेटा, सिर्फ वही आपको किसी दूसरे फोन में पहले तो ट्रांसफर कर लेना है। फालतू का डेटा ऐसे छोड़ देना है फोन में, वो डिलीट हो जाएगा फोन को रीसेट करने से, ठीक है। तो यहां पर दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस अगर आप यूज करेंगे ना तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है।